दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। यूपी SSSC PDO भर्ती। अब देखो, वीडियो भर्ती की जो फाइल थी वो पहुंच चुकी है आपके विभागों में, और तीन भर्तियां थी इसमें। एक BDO थी, ग्राम विकास अधिकारी, एक थी BPO ग्राम पंचायत अधिकारी, और एक थी समाज कल्याण पर्यवेक्षक SKP। ठीक है, अब देखो समाज कल्याण पर्यवेक्षक में क्या है, थोड़ा सा मसला अलग है। BPO और BDO दोनों एक ही विभाग की भर्तियां हैं, तो वो उसका मसला अलग है। उसमें भी जिला बंटन होना है, मतलब मैंने बताया था कि जिला बंटन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और जिला बंटन होने लगेगा आपका। लेकिन जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक है इसमें थोड़ा सा अलग है मामला। अब जैसे आपको मान लो कि BDO के लिए या पूरी भर्ती के लिए UPSSC कराता है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो गया, और जो संबंधित विभाग को जब फाइल भेजी जाती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन की सारी प्रक्रिया जो विभाग कराता है। अब देखो समाज कल्याण पर्यवेक्षक जो वाली है इसमें सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये लगभग आपको मान के चलना है कि अक्टूबर में ही होगा। अभी तो हो नहीं रहा है, अक्टूबर में सारी प्रक्रियाएँ इसकी शुरू होंगी, अक्टूबर में शुरू होगा, आपको बुलाया जाएगा, लखनऊ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जो भर्ती है उसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, तो जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर होगा, और फिर उसके बाद जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फाइल आपके घर भेजी जाती है। और दो लोग पूछ रहे थे कि पुलिस वेरिफिकेशन में या फिर अब जॉइनिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें, चाहे BDO हो, BPO हो, चाहे समाज कल्याण पर्यवेक्षक हो। तो दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जितने भी, हाई स्कूल, इंटर और तुम्हारा जाति और मूल निवास, इन चारों की कॉपी बना के रखना, आधार और तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट। जब भी ज्वाइनिंग होगी तो करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर विभाग के अंदर एक करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और वो गजिस्ट्रेड ऑफिसर से बनवाया जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट, और आप उसको बनवा के रख लीजिए। और एक यूपी कोऑप करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन कोई दिक्कत है तो वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। तो यूपी कोऑप करके एक वेबसाइट है, उस पर आप आवेदन कर दीजिए, 50 रुपये लगते हैं, और आपका 5-6 दिन में बनके आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना, आपका आधार, करेक्टर सर्टिफिकेट, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, और तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र छोड़ दीजिए, सामान्य मूल निवास, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये चीज़ लगेंगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, और आपकी इधर साइट पे जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तब भी। ठीक है, तो सारी औपचारिकताएं आपको लगभग जो तुम्हारा अक्टूबर है उसमें पूरी कर ली जाएंगी, और आपको लग रहा है वो उसकी जो प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर वो भी बांट दिया जाएंगे। ज्वाइनिंग का मसला हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर पहले बट जाए, ज्वाइनिंग थोड़ी बाद में 10-5 दिन बाद हो। समाज कल्याण पर्यवेक्षक विभाग का जो अलग है, समाज कल्याण विभाग का मसला अलग है, बात बाकी BPO BDO का मसला अलग है। ठीक है, तो सारी प्रक्रियाएँ औपचारिकताएँ आपकी पूर्ण कर ली जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, 10-15 दिन का समय मान सकते हो अभी इसमें लगने वाला है। तो आपकी औपचारिकताएँ क्या हैं, आप लखनऊ बुलाया जाएगा, आपको वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको वहीं पर प्रेफरेंस बढ़ाई जाएगी जिले की, कि कौन सा जिला चाहते हो आप, उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो समाज कल्याण पर्यवेक्षक वाले जो साथी हैं, जो समाज कल्याण विभाग में जॉब करना चाहते हैं, वो ज़्यादा परेशान ना हो, आपको यही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और इसमें लगभग 15 या 20 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, जो ये प्रक्रिया होने वाली है, तो समय तो लगता ही है, और बाद बाकी BDO और BPO की उसका जिला बंटन आने वाला है, और अभी जाएगा। कल वीडियो बनाया था मैंने कि आज कल दो एक दिन में आपका जो जिला आवंटन की सूची है वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन इसमें अभी प्रेफरेंस मांगी जाएगी समाज कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है, पर्यवेक्षक वाले में। ठीक, तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, और जब आप ज्वाइन करोगे क्या चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए ही चाहिए, जो तुम्हारे फोटो हैं वो चाहिए, सारी चीज़ आपको मैंने बता दी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, धन्यवाद।